नमस्कार, लेबर लॉ अवेयरनेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो Q&A पर आधारित होगी, जहां हम अपने एक व्यूअर्स की क्वेरी का जवाब देंगे। और ये एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, जाने कितने ही व्यक्तियों की ये परेशानी रहती है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। तो देखिए, उनका सवाल था कि मैं किसी कंपनी में 2 वर्षों तक कार्य किया और मुझे एक दिन में निकाल दिया, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको यह देखना चाहिए कि आप जिस संस्थान या कंपनी में कार्य करते हैं, वो कंपनी किस प्रकार की कंपनी है, उसके अपने क्या नियम हैं। उस पर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 लागू होता है या नहीं, और अगर होता है तो वह किस प्रकार का अपना स्टैंडिंग ऑर्डर बनाया है। इतना देखने के बाद आपको यह देखना है कि आपकी नियुक्ति किस प्रकार से हुई थी या आपकी नियुक्ति से संबंधित कागजी प्रमाण क्या है। फिर आपको यह देखना है कि आपने जो 2 वर्षों तक कार्य किया है, उसका कागजी प्रमाण क्या है, आपकी हाजिरी किस प्रकार से बनती थी, आपको वेतन का भुगतान किस प्रकार से होता था, और इन सभी दस्तावेजों को आपको एकत्रित करना चाहिए। अब उसके बाद आपको क्या देखना है कि आपको किस प्रकार से निकाला गया है, क्या आपके ऊपर कोई आरोप लगाकर निकाला गया है या बिना कोई आरोप के निकाल दिया गया है, क्योंकि ये दोनों ही बातें अलग अलग हैं। अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगाकर निकाला गया है तो वह आपकी डिसमिसल अर्थात सेवा से बर्खास्तगी होगी, जिसके लिए आप केस कर सकते हैं। और इस प्रकार से निकालने के लिए कंपनी या संस्थान को डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है और उसका एक कंप्लीट प्रोसेस होता है। और अगर आपको बिना किसी कारण के ऐसे ही निकाल दिया है तो यह आपकी गैरकानूनी छटनी हुई और इसके लिए कंपनी या संस्थान को एक अलग प्रक्रिया अपनानी पड़ती है और इसके लिए भी आप केस कर सकते हैं। अब इसके लिए केस कैसे करना है, उसके ऊपर ऑलरेडी चैनल पर एक वीडियो है जिसे आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो इसके लिए एक डिटेल वीडियो जरूर आ जाएगी, जिसमें कि आप किस प्रकार से लेबर कोर्ट में केस कर सकते हैं, उन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए उस वीडियो को बनाया जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी बातें समझ में आई होंगी। इसी प्रकार के और एजुकेशनल वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।